तो भोले भंडारी, आज दिनांक 10 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, हमारा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 99 50 85 51। दोस्तों, हम आपके सामने मुखातिब होते ही रहते हैं देश दुनिया के बारे में, तो क्या हमारा कोई ये न्यूज़ चैनल नहीं है भारत को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए, भारत को महान बनाने के लिए, भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए, एक ऐसा सिस्टम दुनिया को देना कि सारी दुनिया बाग बाग हो जाए कि वाह क्या कहने, एक डिवाइन किंगडम सेटअप कर देना। चलो, अपने अपने कल्पना है, प्रयत्न है। हम आपको एक, हम जो करते हैं उसमें एक क्लिप सुनाते हैं। ये संजय भाई का है, हिसार से, सुनिए। मंगल जी, राम राम, जय भोले भंडारी। कल की मीटिंग बड़ी बढ़िया रही, हालांकि मैं पूरे समय नहीं था उसमें। मुझे आपने एक सवाल बाकी रह गया जिसका जवाब नहीं दिया कि दान आमदनी का 10% या बचत का 10%। और पिछले 2 साल की 1 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 3600 रुपये, 3650 रुपये बने हैं शायद, इतने 1 साल के लिए वो राशि मैंने रखी है 3650 रुपये। और 1100 रुपये जो मैं केले वाले, वो आप गाड़िया लोहारों के बच्चों के लिए रखने थे, तो 4750 रुपये मेरे पास है, तो वो भी आप बताएं। दूसरा मंगल जी, एक मेरा सवाल छूट गया था बीच में कि जैसे जो घटनाक्रम हो रहा है, जगदाले सर जो बता रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास समय कम है, तो समय का भी ख्याल रखा जाए और काम में अगर किस ढंग से तेजी लाई जा सके तो उस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। बस आज तो यही था मेरा विचार, धन्यवाद। दोस्तों, यह ऑडियो हमारे भाई श्री संजय शर्मा की थी, हिसार से, जो एक टीचर हैं। काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि देखो, मैं ये पैसे देने का इच्छुक हूँ और ये ले लो। मैंने कि भाई ये पैसे आपके पास रखो, और मैंने सभी लोगों से बोल रखा है कि वे अपने पास रखें। ऑल आर माई ट्रेजरर्स, ये समझ लो सभी मेरे खजानची हैं, यहाँ मेरे पास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके फिर दूसरे बड़े नुकसान हैं, ऐसा नहीं कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और हम क्यों, ऐसे बहुत से लोगों ने मुझे बोल रखा है पैसों की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, लेकिन हमारा एक हिसाब है, हमारा एक मिशन है, हमारा एक ग्रेट गोल है जो बड़े मानवता से उत्प्रोत है, और वह हम पूरा करना चाहते हैं। अभी आपने इस वीडियो में सुना कि ये 4750 रुपये हमें देना चाहते हैं। इनके कुछ प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न तो ये देखिए कि हम ये 10% जो दान देना है, यह इनकम का 10% है या बचत का 10% है। दोस्तों, जैसा आपने किताबों में लिखा भी होता है, यह इनकम का 10% है। दूसरे, ये कोई 10% ही नहीं, ये अपनी श्रद्धा और अपनी आदत पर है। 10% से लेकर 1% जितना भी आपको हो, लेकिन 10% होगा तो ही अच्छा होगा, क्योंकि दान एक अद्भुत क्रिया है। दान एक अद्भुत क्रिया है जो आप देते हो, सही दान सही लोगों को, वह कई कई गुना वापस लौट कर आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने दान दिया और कोई दूसरे दान लेने वाला उसकी दारू ही पी जाए या ऐसा ऐसा करे। देखो, ये हमारा एक महान मिशन है,
हमारा हमने भाई को कह दिया कि भाई अभी हम नहीं ले रहे, आप आपके पास रखिए। लेकिन हमने इन्हीं से नहीं सबको बोल रखा है कि पैसा आपके पास रखिए, एक रुपये पर डे का रखिए, कुछ और रखिए। जिस भाई ने 10 रुपये पिछले साल के 10 रुपये पर डे के हिसाब से रख दिया, भाई टीचर है कोई बात नहीं। हमें क्या है कि बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा बजट लाखों करोड़ रुपए होगा, लाखों करोड़ों नहीं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ ऐसे होगा। ये देश की हालत ऐसे नहीं बदलने वाली, इसमें ये फंड्स का मामला तो एक है, मैन पावर का मामला दूसरा है, माइंड पावर का मामला तीसरा है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसका जो मेन बेसिस है, सॉफ्टवेयर है, आइडियोलॉजी, ये और है। फिर उसमें क्या क्या है, ये सारा हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बताता है। इस भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, आपका ये भाई मंगल एक विशेष उद्देश्य को लेकर चल रहा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी से ऐसे वैसे ही पैसे नहीं लेता, ले भी नहीं रहा। लेकिन यह ध्यान रखना कि पहले आप देख परख लेना, ऐसा नहीं हो कि आज आप कोई 1,500 रुपये दे दें और कल को कहें कि हमारे पैसे तो गड्ढे में गए, हमारे पैसे गलत हाथों में गए। क्योंकि ये हो सकता है, बहुत जगह होता रहता है, इसलिए आप बड़े सोच समझ करके ये काम करें। दूसरे क्या है कि आप ये पैसे तभी दें, कल को इनको आप इनका हिसाब आपको मिले या नहीं मिले, क्योंकि ये पैसे मिशन के पैसे हैं और सारे सबका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता इसका इनका। और इसमें पहले तो आप ये देखना कि इसके जो चलाने वाले लोग हैं वे कैसे हैं। इसलिए हम जल्दी नहीं करते, क्योंकि लोग भावावेश में आकर के कुछ का कुछ कर देते हैं, फिर कल को कहते हैं भाई ये तो गलत हो गया, यू आर सो एंड सो। क्योंकि ये हमारा दोष नहीं, ये आपका दोष होगा। हम बड़े स्पष्टवादी हैं और ये संस्था सबसे पहले पर्सनल है, उसके बाद डेमोक्रेटिक है, उसके बाद ये डिवाइन डिवाइन है। इसके सारे उद्देश्य, सारी चीज़ें हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में इसकी झलक मिलती है। और ये जो 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये तो उसका एक झलक मात्र है, उसकी तो डिटेल्ड बुकलेट तो अभी आएगी। इन भाई ने ये प्रश्न पूछा है कि मंगल जी जल्दी करो, जगदाले साहब भी कहते हैं कि टाइम नहीं है, हम भी सालों से कहते आ रहे हैं कि टाइम नहीं है। जो हमने पेड़ लगाए, जो ढेर के पेड़ लगाए या आम के पेड़ लगाए, उनका रिजल्ट आना बाकी है। कल के वीडियो में हम कह रहे थे कि देखो यहाँ पर विभव प्लस माइनस का ज़्यादा हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस का ज़्यादा हो गया, और यह विस्फोट होने ही वाला है, यह इलेक्ट्रिक करंट बहने वाली है। कोशिश करना है तो कर लो। इसलिए ये भाई कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जल्दी क्या करें। हमारे जो दिमाग में विचार आता है वह हम बोलते रहते हैं, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, परोपकार, गरीबों के लिए, जीवों के लिए, जो भी कर सको करो। और सबसे जो ज़्यादा अच्छा हमें जो लगता है, बताते रहते हैं कि आदमी को सबसे पहली जरूरत गुड वर्क की तो है ही, लेकिन उसका अपनी चेतना को उठाने की है। यदि आपकी चेतना का उत्थान हो गया तो सब कुछ उत्थान हो गया, क्योंकि उसी से पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बिना चेतना के हम बेहोशी किसी हालत में जीवन जीते हैं। इसलिए हमसे पहले सुनो तो हम ये बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। सारे इंडिया में ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पहुंचा दो, देरी मत लगाओ।
आप हमारे वीडियोज को देखेंगे तो हमने स्पष्ट रूप से सारा सारा क्लियर क्लियर बिल्कुल बता रखा है कि ये जल्दी कर लो। क्यों कर लो? अभी सुनो, अभी मैं आपको एक दूसरी वीडियो क्लिप सुनाता हूँ। देखो इन वीडियो क्लिप से हमारी स्ट्राइक आ जाता है, भाई स्ट्राइक आ जाए तो आ जाए, हम इसको हटा देंगे ऐसा हुआ तो, लेकिन हमें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आप पर हमारा कैसा स्ट्राइक हो, चोट हो, चाहे आप हट हो जाएं, लेकिन यदि आपकी आंखें खुल गई तो हम समझेंगे कि भाई बड़ा अच्छा हुआ। अब एक आप दूसरी क्लिप देखिए, मुझे हेजिटेशन हो रहा है कि मैं आपको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, क्योंकि इस वीडियो को सुन करके मेरी चीख निकली होती, और जब भी इस वीडियो क्लिप को मैं देखता हूँ मोबाइल में, देख तो पाता ही नहीं, मैं कांपने लगता हूँ सिर्फ इसका अंदर देखते हुए कि यह वह वीडियो है। चलो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिए आप, फिर आपको पता चलेगा कि भाग लो जितना भागना है, सब भाग लो। द डेंजर इज वेरी नियर, और डेंजर भी छोटा मोटा नहीं कि एक लपड़ थप्पड़ का होगा, गाली गलौज का होगा। पहले सुनिए उसको। दोस्तों यह क्लिप दिखाने के बाद मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, और दो चार मिनट बाद मैं दोबारा आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरा शरीर अभी भी थर थर कांप रहा है। क्या थी ये क्लिप? बच्चों को, लोगों को एक ट्रक में भर लेना, ठूंस ठूंस के भर लेना, और फिर उसको बंद करके उनमें साइलेंसर का धुआं छोड़ देना, और बच्चों की चिल्लाहट और उनकी देखो, अरे भगवान। दोस्तों इस वीडियो बनाने को ऑफ करने के बाद मैं पहले तो रोया हूँ, उसके बाद मैंने इसको ऑन किया है मैंने, कि क्या दृश्य है, कहाँ का है ये। अरे ऐसे ही तो हमने वो नाजियों के समय के कुछ चित्र तो देखे थे, क्या ये आज भी हो रहा है? हम पूछने लगे भाई कहाँ का है ये, कोई बता रहा था NWO का है, फलाने देश का है, इसका है, उसका है। डिटेल तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये भयानक शैतानिक प्रोग्राम का एक हिस्सा है। यदि दुनिया नहीं चेती तो ऐसा ही होगा, और ये किसके साथ होगा? किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जो भाई संजय पूछ रहे थे कि क्या करें, यदि आप इनको, इन चीजों को, इनको देखें तो आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे जिनको जबरदस्ती ठूंसा जा रहा था वे आपके, हमारे किसी के बच्चे हो सकते हैं, और हम नहीं चेते तो होंगे। मैं रात में इतना जल्दी जा करके ऐसे ही नहीं चिल्लाता, यदि हम लोग ऐसे ही सोते रहे तो ऐसा ही होगा। फॉरेन मीडिया कहता है कि कोरोना में
47 लाख लोग मरे। इंडिया मीडिया और इंडिया गवर्नमेंट कहते हैं कि 4 लाख मरे थे। अरे 4 लाख वैसे ही आते हैं, 47 लाख वैसे ही आते हैं। अब पता चलता है कि ये तो जहर के इंजेक्शन हैं और लोगों को जल्दी जल्दी घुसेड़ घुसेड़ कर मार दिया और कोई आंदोलन नहीं करता। एक तरफ तो बड़ी खूबसूरती है कि हम लोग हैं ही इसी लायक, हम लोगों के साथ क्योंकि हम ऐसा डिजर्व करते हैं इसलिए ऐसा होता है, ऐसे वैसे नहीं होता। इसलिए दोस्तों घरों से निकल पड़ो, साइकिलों से निकल पड़ो, मोटरसाइकिल से निकल पड़ो, दो दो पांच पांच के झुंड बना लो, कारों से निकल पड़ो। ये ग्रुप में डिस्कशन करो, दूर दूर जाओ, डरो मत। डर गए तो ऐसा ही होगा तुम्हारे हमारे सबके बच्चों के साथ जैसा इसमें बताया गया है। आज हम जो सुनते हैं कोई 1% लोग होंगे, 2% होंगे, 5% होंगे जो YouTube देखते हैं अच्छे तरह से, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का जिनको ज्ञान है, वरना अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। मीडिया ने ऐसा लोगों को अंधा बना दिया है कि कहते हैं ना कि जो आदमी मुर्गी के पंख नोच रहा है एक दाना देख करके, दाना देख करके पंख नोचा हुआ मुर्गा भी उसी की तरफ आता है कि भाई यहाँ दाना मिल रहा है। लंबी लंबी बातें हैं, सारे लोग बोलते हैं, जल्दी करिए, ऐसे ही गप्पे मत लड़ाइए, हंसी ठिठोरी मत करिए। कहीं भी ऐसा हो सकता है तो वो कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है और होगा, और ऐसा भी हो सकता है जो कभी हुआ ही नहीं जो होगा, यदि उस तरह की ग्राउंड बन जाएंगे तो। मानवता ने बहुत सी चीज़ें नहीं देखी, कभी टेलीफोन नहीं देखा था, कभी वो नहीं देखी, घड़ी नहीं देखी थी, वो नहीं देखी थी, बाद में देखी। 1947 का कभी हुल्लड़ नहीं देखा था, 1945 का जर्मनी कांड नहीं देखा था, लेकिन देखा। और अभी भी जो होना है वो हमारे सामने खड़ा है, लेकिन हम उसको डिफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए निकल पड़िए। हम ऐसे ही नहीं चिल्लाते, आगे आपकी मर्जी, होना तो वही है जो देववाणी जनवाणी मंगलवाणी बोलती है, इफ इट इज सब्जेक्ट टू तो सब्जेक्ट टू है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं हो जाएगा। परमात्मा कोई किसी का नौकर नहीं लगा हुआ, उसको दुनिया को चलाना है, नई फसलें पैदा करनी है, जैसे किसान खेत को साफ करता है और नई फसल लगाएगा, वह कोई कीड़ों के लिए नई फसल को नहीं, नई दुनिया को आने से नहीं बंद करेगा। ये आप पर निर्भर है कि आदमी होकर आप चींटी जैसा व्यवहार करते हो, मछली जैसा व्यवहार करते हो, कि आप बड़े बड़े आदमी जैसा व्यवहार करते हो, एक जागरूक आत्मा की तरह करते हो। आप जागरूक होंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वरना ऐसे ही भर भर कर ले जाया जाए जैसे गायों को काटने के लिए ले जाया जाता है, कहीं इन बच्चों को औरतों को भर भर कर ले जाया जा रहा था। अभी निकल पड़िए। हमारे विचार से तो यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट हमने दशकों की मेहनत के बाद बनाया है, कई दशकों के बाद बनाया, पता नहीं इसमें कितना कितना क्या क्या किया है। इसी से देश का उद्धार होगा। टूट पड़िए, भाग पड़िए, करिए, ये 2, 4, 5, 10 हज़ार से नहीं होगा। आपको इसमें खून पसीना लगाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी ये शैतान ये भयानक लोग तब मानेंगे, और अवश्य मानेंगे, जो नहीं करेगा उनके लिए नहीं माना जाएगा।
यहाँ फ्री का कुछ नहीं मिलता, प्रकृति में सब कुछ है, पे दी प्राइस एंड गेट इट। यदि आप कोई खास प्राइस दो तो भगवान भी आपके सामने आकर खड़ा होगा कि बोल बच्चे बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। ये तो क्या है, फर्जी लोग हैं, इनके तो भागते ही देर नहीं लगेगी और भागेंगे। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।